ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं, आज की वीडियो में वही बताने वाले हैं भाई। अब आप कहेंगे कि भैया आपने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इस टॉपिक से, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो वीडियो है ना, हटके उससे हटके, यानी इस वीडियो में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया तरीका मिलेगा और नए तरीके से आपको ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा। अगर पुराने तरीके को लेकर घसीटते रहेंगे भाई, यानी घसीटते रहेंगे ना, तो आप वही के वही रह जाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए नया नया नया, बोले तो नया, वही चीज़ आपका भाई देने वाला है इस वीडियो में। तो क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्ट करना है, मुझे करना है भाई, आप लोगों को नहीं, आप लोगों को बस देखना है। चलिए हम बताते हैं कि वो नया तरीका है क्या। ब्लॉग तो बनाते हैं, लेकिन आप ब्लॉग बनाने में भी नया तरीका आ गया, ये सवाल है ना, इसका इस कन्फ्यूजन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा और आप नए तरीके से ब्लॉग बना भी पाओगे, लोग देखना और भी पसंद करेंगे। अगर थोड़ा कम पसंद कर रहे होंगे ना वीडियो को देखना, वो ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे। अगर ज़्यादा कर रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, और जो बहुत ज़्यादा, वो यार आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, भैया से मिलेंगे, हाय हाय सौरभ भैया, हाय ऐसे मिलने की कोशिश करेंगे, बट कोई बात नहीं, मिल भी सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने फ़ोन निकाला, अब क्या करते हैं, हेलो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मस्त हूँ। और आज मैं अभी घर पे हूँ, और ये मेरा घर है, और अभी मैं घर पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा बेड है, और यहाँ पे मैं इस छत पे अपनी वीडियो को ऐसे ऐसे करके शूट कर रहा हूँ, और आज मुझे बनाना है ये चीज़, आज मुझे खाना है वो चीज़। भाई ये कब तक चलेगा, लोग देख के पक चुके हैं, बोरिंग हो गए हैं ऐसी ड्रामा से। अब इसको यार दूर करना है, पुराने वर्जन को दूर कर देना, उसको अपडेट कर देना है नए वर्जन में, जो आज की वीडियो से अपडेट हो जाएगी। जैसे कि हम फ़ोन को क्या करते हैं, कंपनी क्या करती, अपडेट करती रहती है अपने वर्जन्स को, फ़ोन की सिस्टम को अपडेट करती रहती है, तो हम क्या करते हैं, अपडेट पे लगा देते हैं, ताकि हमको नए नए फीचर्स उसमें जो भी कंपनी ऐड करती है वो मिल जाए, ताकि हमारा फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी रहे, चले स्मूथली, लैग ना करे, और जो भी एक्टिविटी अच्छे से काम करें हम उसमें, जो भी हम काम करें, वीडियो शूट करें अच्छे से शूट हो, कोई मूवी देख रहे अच्छे से बिना लैग करे चले, हमारी जो भी काम है अच्छे से हो, इसीलिए कंपनी अपडेट करती रहती है अपनी फ़ोन की सिस्टम को। उसी तरीके से आपको भी अपनी ब्लॉग को अपडेट करते रहना है। अब अपडेट कैसे करना है, आपके तो कोई मतलब वो कोडिंग वगैरह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई आपको उस तरीके से अपडेट नहीं करना है, आपको अपने तरीके से अपडेट करना है। वो कैसे करना है, वो आप खुद अपडेट कर सकते हैं, कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ब्लॉग आप जो भी बना रहे हो ना, बनाओ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ऐड ज़रूर करना, वो है स्टोरी टेलिंग। सुने हैं, स्टोरी टेलिंग। अगर नहीं पता है कि स्टोरी टेलिंग क्या है, क्या होता है स्टोरी टेलिंग, तो भाई इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख के सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड। देखो भाई, हम वीडियो तो क्रिएट कर रहे हैं, उस वीडियो को हमको और आगे डेवलप करना है, और आगे तक ले जाना है, और नाम फेम कमाना है, तो इस चीज़ को ऐड करना ही पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग। जैसे कि आप मूवी देखते होंगे, कोई सीरियल देखते होंगे, या फिर कोई कहानियाँ सुनते होंगे, या फिर कोई स्टोरी सुनते होंगे, जो स्टोरी होती है, बहुत सारी ऐसे स्टोरी होती है, वेब सीरीज होती है, जो हम ध्यान से देखते रहते हैं। ध्यान से हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, इसीलिए ना देखते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता तो हम देखते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, और ध्यान से इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि उसमें जो है हमको स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है। अब हमें ये तो नहीं जानते कि उसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं, लेकिन हम उसी वजह से देखते हैं उस फिल्म को, उस मूवी को, उस सीरियल को, उस वीडियो को, उस कॉमेडी को, उस फनी को, जो भी है उसी की वजह से हम देखते हैं। अब वही चीज़ आपको अपनी ब्लॉग में ऐड करना है, कैसे ऐड करना है वो प्रोसेस मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी ब्लॉग में फीलिंग ऐड करनी है, अपनी फीलिंग, ये बहुत ही मायने रखता है। फीलिंग जो होती है ना, आप जो भी बोलें ना, एक फीलिंग के साथ बोलें। जैसे कि अभी हमने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी आइडिया देने वाला हूँ, यार क्या बताऊँ, आप जान के यार आश्चर्य हो जाएंगे, आश्चर्य। वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये है एक
फीलिंग, सिंपल है, छोटा है। इसी तरीके से आपको अपनी एक जो भी बातें हैं ना एक फीलिंग के साथ बोले, और फीलिंग के साथ साथ यही नहीं कि आप फीलिंग के साथ बोलेंगे तो हो जाएगा, नहीं भाई, आपको अपनी वीडियो में, अपनी जो ब्लॉग वीडियो शूट करें ना उसमें आपको चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसको भी वैसे ही क्रिएट करना है। अपनी बॉडी का जो लैंग्वेज है ना, जो शरीर होता है इसका भी एक लैंग्वेज होता है भाई, होता है ना, नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई हमें मार देता है थप्पड़ से और हम रोने वाले होते हैं, या कोई मार दिया तो हम क्या करते हैं, रोते हैं, और रोते हैं तो किस तरीके, और लोगों को पता कैसे चलता है कि हम रो रहे हैं, क्योंकि हम इस तरीके से करते हैं, आंसू बहता है, चेहरे की स्माइल, मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन जो होता है वो रोने वाला बन जाता है, इसीलिए लोग समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये रो रहा है। अगर कोई मार दे थप्पड़ से हम रो रहे हैं और हंसने का एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो भाई ये रोना किसी को समझ में आएगा, वो समझेगा कि भाई ये हंस रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके होता है ना बॉडी, जो लोगों के सामने दिखता है वही चीज़ वो फील करते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन है तो दुखी है, रो रहा है, ठीक है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज किया करो, जैसा आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का यूज किया करो। और साथ ही आपको अपने वीडियो में इमोशंस यूज करना है, इमोशंस, जैसे कि एक इमोशन होता है, उसी के साथ फ्रेंड्स अपनी वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ यूज करना, जो है सस्पेंस। सस्पेंस वो है ना जो आपकी वीडियो पे आपकी ऑडियंस को रोक के रखता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताया, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर, कि यार मैं आज वहाँ पे गया था तो मेरे साथ ना क्या बताऊँ यार, मेरे साथ ऐसा कैसे बताओ, समझ में नहीं यार। यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता था, आप ये जानना चाहते होंगे उस शब्द से कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या हुआ, ये शब्द आप जानना चाहते होंगे कि भाई क्या हुआ, यही जानना चाहते हैं ना, वही चीज़ है भाई सस्पेंस। और ये सस्पेंस जो है ना आपकी वीडियो पे आपके ऑडियंस को रोक के रहता है, ठीक है। तो आपको अपनी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करना है कि यार मैं आज ये करने वाला था, और अरे यार कौन आ गया, यहाँ पे कोई आ गया मेरे वीडियो शूट करते समय, बुलाऊं, अभी नहीं बुलाऊंगा, बस 1 2 3 बुला दूँ, मतलब एक सस्पेंस हो गया, मैं कोई है नहीं, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, कोई है नहीं, लेकिन सस्पेंस क्रिएट करने के लिए मैं ऐसा बोला तो आप लोगों के लगा कोई है और उसको मैं 1 2 3 गिन के उसको बुलाऊंगा, यही लगा ना, तो आप देखना चाहेंगे तो देखने के लिए वीडियो को देखेंगे ना, तो यही है सस्पेंस है। लोगों को सस्पेंस, मतलब लोगों के सामने सस्पेंस हम रखेंगे तो हमारी वीडियो को लोग देखेंगे, ये चीज़ हमको अप्लाई करनी होती है। और भी बहुत सारे टेक्निक्स तरीका है भाई, जो हम नए तरीके से अपडेट कर सकते हैं अपनी ब्लॉग वीडियो को, अपनी ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं, ये है नया तरीका। अपने वीडियो में एक्सप्रेशन दो, अपने बॉडी लैंग्वेज का, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन दो, बोलने की वॉइस मॉड्यूलेशन होता है उसको डेवलप करो, कैसे बोलना है, जैसे सीन है वैसे आपको बोलना है। जैसे कि हम किसी को, अगर कोई हम हमारा कोई सामान है या टूटने वाला होता है तो चिल्लाते हैं, ओए उसे देखो बचाओ, टूट जाएगा यार बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं ना, तो ये हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, इसको भी आपको जहाँ पे जैसा सीन होता है उसी तरीके से हम बोले, ठीक है ना, तो लोगों को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ये हमारी एक स्टोरी होगी, स्टोरी जैसे कि हम मूवी देखते हैं उसमें हमको स्टोरी देखने को मिलती है ना, वही चीज़ हमको अपनी ब्लॉग में क्रिएट करना है भाई, स्टोरी क्रिएट करना है, एक स्टोरी, जैसे हम नॉर्मल एक कप में चाय पी रहे हैं और इसको एक स्टोरी टेलिंग के रूप में हम दिखाना चाहते हैं आपके सामने, तो सिंपल हम कप में चाय लेकर कहीं से आ गए और पीने लगे गए तो ये हमारी वो स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी, लोगों के सामने तो जाएगा लेकिन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, देखेंगे लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि उसमें स्टोरी टेलिंग का हमने कॉम्बिनेशन यानी ऐड ही नहीं किया है, स्टोरी टेलिंग जैसा हमने उसको बनाया नहीं, एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया ही नहीं, तो कोई भी चीज़ ना उसको अगर हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं, अगर आप कोई टीवी देखते हैं प्रचार आता है तो वहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग का यूज किया गया होता है भाई, तो उसी चीज़ को, चाय को हम क्या करेंगे, अगर स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम दिखाना चाहेंगे, ऐड करना चाहें, स्टोरी के रूप में दिखाना चाहें, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपल कि उस चाय को अलग अलग एंगल से हम शूट करेंगे, कभी चाय बनते हुए शूट करेंगे, कभी चाय को ग्लास में छानते हुए शूट करेंगे, कभी चाय को हाथ में उठाते हुए शूट करेंगे, ऐसे आपको शूट करना है भाई,
क्यों शूट करना है, क्योंकि ये जो है ना एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। जब अलग अलग एंगल से आप शूट करेंगे तो लोगों को लगेगा कि चाय बन रहा है, चाय बन चुका है, चाय को ग्लास में ढार देगा, अब चाय को ये बंदा पी रहा है। एक कहानी क्रिएट होती है, एक मैसेज क्रिएट होता है, एक स्टोरी क्रिएट होती है, ठीक है। तो यही है तरीका भाई, नए तरीका ब्लॉग बनाने का। अपने वीडियो में हर एक इमोशंस, फीलिंग्स जो भी है ना एक्टिविटी, उसमें कुछ अलग अलग करें, अपडेट करें अपने आप को, अपनी फीलिंग को शेयर करें, एक स्टोरी क्रिएट करें। सब यहाँ पे मैंने जो भी बातें बताई उन सभी बातों का एक ही पॉइंट है, स्टोरी। अपने वीडियो में स्टोरी क्रिएट करो भाई, स्टोरी टेलिंग होता है ना वो क्रिएट करो। जब तक क्रिएट नहीं कर पाओगे ना तब तक लोग आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं। अगर इस चीज़ को आप अपनी वीडियो में इंक्लूड करने लग गए तो आपकी वीडियो को भी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म वाले यूज करते हैं, बड़े बड़े वेब सीरीज वाले यूज करते हैं, मूवी वाले जो होते हैं वो यूज करते हैं, सीरियल्स वाले यूज करते हैं, कॉमेडी वीडियो वाले यूज करते हैं, फिल्म मेकर जो भी है, नहीं हर एक फील्ड में ये चीज़ को यूज किया जाता है। कहानी जो है उसमें यूज किया जाता है, हर एक जगह पर यूज किया जाता है भाई स्टोरी टेलिंग, समझ रहे हैं ना। यही चीज़ आपको अप्लाई करना है अपनी ब्लॉग वीडियो में, वही पुरानी चीज़ को नहीं दोहराना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाले बटन को दबाना, नहीं पसंद आई हो तो भी बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।